भक्त वत्सल भगवान उनका ही सृष्टि है, उनका ही विस्तार है। भगवान छोड़ के और दूसरा भी पदार्थ है ही नहीं। हमारे भीतर बाहर वही है, वही भगवत सत्ता विद्यमान है। सबके भीतर वही भगवत सत्ता है। भगवान से हमारा अभिन्न अखंड नित्य संबंध, ये पहले था, अभी है, पीछे रहेगा। किसी भी अवस्था में पलक के लिए भगवान के साथ हमारे इस संबंध जो है अलग होना संभव नहीं है। भगवान भी चाहे जो हम अलग कर देंगे, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे रमे हुए है हमारे अंदर भगवान। लेकिन माया बहिर्मुखता के कारण, जीव स्वरूप विस्मृति के कारण एक शरीरधारी बनकर संसार चक्र में घूम रहा है अनादिकाल से, स्वप्नवत। स्वप्न में जैसे हम एक शरीर कल्पना कर लेते हैं, संसार कल्पना कर लेते हैं, कल्पना करके उस काल्पनिक शरीर को सत्य आरोप कर लेते हैं, आरोप करके फिर काल्पनिक संसार को सत्य आरोप करते हैं, फिर काल्पनिक शरीर के द्वारा काल्पनिक संसार को भोगते हैं। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, हम तो सो रहे हैं लेकिन वो काल्पनिक शरीर के द्वारा काल्पनिक संसार को जो हम भोग रहे हैं वो विकारित तो हो रहा है। सोया हुआ जीवात्मा विकारित तो हो रहा, वह जो स्थिति है उसका, वो काल्पनिक शरीर को नहीं भोग रहा, भोग रहा सोया हुआ जीवात्मा, उसका विकार विकारित हो रहा है। शोक दुख हर्ष विषाद जो भी, भय भीति आनंद उल्लास जो भी होता है सब। तो जीव को चेतन करने के लिए भगवान जुग जुग में आते हैं, जुग जुग में अपने भक्त को प्रेरणा करके उनके भीतर चेतना शक्ति जगाने के लिए भगवान कृपा करके अवतीर्ण होते हैं। यदा यदा ही धर्मश्च ग्लानिः भवति भारत अद्भुत ज्ञानम धर्मश्च तदात्मनम सृजम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। जुगे जुगे जुग जुग में भगवान आते हैं दुष्ट दमन के लिए, भक्त को त्राण करने के लिए, उद्धार करने के लिए। एक लौकिक दृष्टांत दे रहे हैं ना, ये लौकिक दृष्टांत दे रहे हैं। कभी कभी परमात्मिक दृष्टांत छोड़ कर लौकिक दृष्टांत भी सुंदर होता है। जैसे एक बार अकबर बादशाह बीरबल को कह रहे हैं, बीरबल हम सुने हैं तुम्हारे भगवान जुग जुग में अवतीर्ण होते हैं भक्त को रक्षा के लिए, ये कैसे भाई? क्यों? भगवान तो सर्वसमर्थ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, हर स्थिति में भगवान सब कुछ पलक पत्र इच्छा मात्र से ही अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्रलय कर सकते हैं, रचना कर सकते हैं। तो तुम्हारे भगवान को क्यों आना पड़ता है? क्या भगवान खुद आना पड़ता है? ऐसे आते हैं रक्षा के लिए। कैसे भगवान है तुम्हारा? हमारे अल्लाह तो भाई आते जाते नहीं है लेकिन तुम्हारे भगवान तो भाई सुने हैं, जो मनुष्य शरीर धारण करके नरलीलावत कोई बल्लम मनुष्य शरीर धारण करके आते हैं जाते हैं। तो बीरबल कुछ कहा नहीं। एक दिन संध्या के वक्त प्रमोद भ्रमण करने के लिए जाएंगे, एक बड़ा नाव है, उसमें नाव से चलते थे, बाजरा कहती है उसको, बाजरा बड़ा नाव, विशाल नाव बाजरे में करके कई भ्रमण करने के लिए जाएंगे। और बीरबल क्या किया है, अकबर बादशाह के पुत्र सलीम, ठीक सलीम का ही एक पुतला बना करके नाव के ऊपर रख दिया, ऐसे ही पोशाक पहना करके एकदम संपूर्ण ऐसे। संध्या के समय अब अकबर भी उठे हैं नाव में, सब भक्त और जो उनके फॉलोअर हैं सब उठे हैं। तो कहते अरे बीरबल ये बालक का क्यों लाए, सलीम ये बालक का क्यों लाए? बोलते जनाब ये मानता नहीं है, रोता है, बोलता है नहीं मैं मेरे को भी जाना है। नहीं 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 ऐसा नहीं। तो बालक के पास जाकर धक्का मार के पानी में फेंक दिया पुतला को, पानी में फेंक दिया।
और राघवर भाषा हरी 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 करके खुद खुद पड़ा एकदम। ज्यादा तो पानी थी नहीं, देख सा एक पुतला, वो तो सलीम है ही नहीं। बीरबल ये कौन सा मजाक है, ये कौन सा मजाक है हमारे साथ, तुमने ऐसे मजाक किया। तुमने कहते हो कि सलीम ने आया है, वो जाना चाहता है, लेकिन तुमने पुतला ला करके इस तरह से तुमने नाटक किया तुमने। तो बीरबल कहते हैं, जनाब हमको समझ में नहीं आ रहा है, पुतला हो से आप तो पुत्र हो, आप क्यों कूद पर है पानी में? अरे आप बोलने से मिट्टी तक खोद के ऊपर ले आएगा सब, हजारों ठड़े हैं, मिट्टी खोद के पलक में ऊपर ले आएंगे सब, और आप क्यों कूद पड़े हैं इसमें? देखो बीरबल, तुमको बुद्धि बहुत, तुम्हारे बुद्धि बहुत कम है। ये मेरा पुत्र है ना, पुत्र स्नेह, इसलिए मैं पुत्र स्नेह जो वही जानता है, पिता ही जानता है पुत्र स्नेह क्या है। तो भगवान आपका जवाब अब आपको मिल गया है। आप कहते हैं भगवान क्यों जुग जुग में आते हैं, भगवान इतने भक्तवत्सल कि भक्त के रक्षा के लिए, भक्त के पालन के लिए, भक्त को पोषण के लिए भगवान इस तरह से आते हैं, भगवान स्वयं आते हैं, भगवान आकर के भक्त का पालन करते हैं, पोषण करते हैं, भक्त के साथ आनंद लीला वर्धन करते हैं, भक्त को आनंद प्रदान करते हैं, स्वयं भी आनंद प्राप्त करते हैं। भक्तवत्सल भगवान ये है, इसलिए भगवान आते हैं। तो ऐसे ही भगवान युग युग में आते हैं। ये कलियुग में आए हैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु, दोनों मिल करके एक होकर के वो राधा कृष्ण जुगल प्रेम रस निर्जास जगत जीव को प्रदान करने के लिए भगवान स्वयं आए हैं इस बार, साथ साथ अपने लीला रस आस्वादन करना और भक्त को भी आनंद देना। तत्से ही तो प्रेम रस, ये जगत जीव को वो जो कभी कोई युग में कोई भगवत स्वरूप ये प्रेम प्रदान नहीं किए है। अनर्पित चरिंग चिरात करुण अवतीर्ण कलु, समर्पय तो उन्नत उज्जवल रसांग सभक्ति श्रियम, हरि पुरट सुंदर अद्भुत कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरत बसचि नंदन। अनर्पित, कभी अर्पित किए नहीं कोई ऐसे प्रेम निर्जास देने के लिए भगवान स्वयं आए हैं। जीव हम समझते हैं जो भगवान बहुत दूर है, ना जाने किस लोक में है, हम कहाँ है, भगवान से हमारा संबंध शायद है नहीं, अगर होगा भी हमको पता नहीं, शायद भगवान हमको जानते भी नहीं, शायद भगवान हमको याद भी नहीं करते हैं, लेकिन ये भ्रम है, ये माया है, वो तो हमारे साथ है, हमारे भीतर है, सबसे निकटतम सबसे प्रियतम। इस जगत में जितना निकटतम पदार्थ है, वस्तु है, भोग्य पदार्थ है, भगवान सबसे निकटतम, माने हमसे रमे हुए हैं, भगवान से निकटतम और कोई हो नहीं सकता है, और क्या सबसे प्रियतम। अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि अगर एकीभूत करके किसी को प्रेजेंटेशन किया जाए, जो ये सुख लो और भगवान एक तरफ, बोलते इसका कंपेयर हो नहीं सकता है, इसका लेश मात्र सुख है नहीं, ऐसे प्रियतम। लेकिन हम भूल गए हैं, माया ने हमको भुला दिया, एक पंचभौतिक शरीर धरी बना करके नाना जनी भ्रमण कराते कराते हमको इस संसार चक्र में भ्रमित करा रहे हैं अनंत काल से। इसलिए भगवान दयार्द चित्त होकर के भक्तों को लेकर के आए हैं इस कलियुग में। पतित पावन अवतार अखिल रसामृत सिंधु सच्चिदानंद घनतनु अखंड आनंद स्रोत, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आए हैं। उनका ही जीवन चरित जीवन गाथा किंचित दिग्दर्शन करने के प्रयत्न कर रहे हैं। है तो वो अगम्य, वो तो मन बुद्धि के अगम्य है, देखने में लगता है जैसे मनुष्य सी तो, लेकिन वो तो मनुष्य है नहीं, देखने में कंपेयर करने से लगते हैं जैसे ऐसे ही मनुष्य खाते हैं पीते हैं सोते हैं सभी ऐसा, बोलते हैं ना ऐसा नहीं, वो दिव्य है। जन्म कर्म चौ में दिव्यम जो व्यक्ति तत्त त्यक्त ध्यान पुनर्जन्म नोतिमामिति सो अर्जुन, ये जन्म कर्म मेरी दिव्य है, ये लोग जानते नहीं है। नाम प्रकाश सर्वस्व जुग में समावृता मूरो अयंग नविजानाति लोक मम अजम अव्ययम, बुरा व्यक्ति मेरे को जान नहीं पाता है, दिव्य लीला देखने में लगता है मनुष्य से तो। और वो भगवान की आनंद लीला अखिल रसामृत सिंधु, उनकी वो आनंद लीला चिंतन करके
हम भी ये संसार चक्र से मुक्त होकर के हम भी भगवत सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे, है ना। इसीलिए भगवान लीला प्रकट करते हैं, कृपा नहीं, भगवान का ही सत्ता है, ये कोई बनावटी संबंध नहीं। ठाकुर जी से, भगवान से, कृष्ण से हमारा बनावटी संबंध नहीं है। सुन लीजिए कान खोल के, भजन पीछे करना, पहले संबंध बोध को जगाओ, पहले संबंध बोध जागो, जानो भगवान कौन है, हम कौन है, हमसे भगवान का क्या संबंध है। भजन करेंगे, किसका भजन करेंगे, क्यों करेंगे, क्या है, क्या मिलेगा, पहले संबंध बोध, संबंध अविद्य प्रयोजन। संबंध है भगवान से, हमारे संबंध क्या है, आपको जानकारी है नहीं। अविद्य जत द्वारा लोभ, भक्ति के द्वारा लोभ, और प्रयोजन प्रेम, प्रेम प्रयोजन। तो संबंध भगवान के साथ हमारे नित्य अविच्छेद्य अखंड संबंध, उन्हीं की सत्ता, सब जीव उन्हीं का ही है। अहम आत्मा गुरा किसी सर्वभूत स्थित, अर्जुन सबके भीतर आत्मा रूप में मैं ही विराजमान हूं सबके भीतर। लेकिन हम भूल गए हैं, शरीरधारी बन करके, पंचभौतिक शरीरधारी बन करके, पंचभूत से तादात्म होकर के हम चेतन सत्ता भगवान के अभिन्न अखंड आनंद सत्ता होते हुए भी एक प्रकृति के साथ तादात्मता के कारण आत्मा का तो रूप नहीं है, वो अरूप है, और प्रकृति का रूप है, प्रकृति है जड़, ये है चेतन। चेतन तो कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि उसका शरीर नहीं है, जड़ कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि इसका कुछ चेतन नहीं है, ये जड़ जड़ीय पदार्थ नाम रूपात्मक। दोनों मिलकर के बोला, हम दोनों मिलकर के सृष्टि रचना करेंगे। अपरयमित स्तन्यांग प्रकृति विद्धि में परम जीव भूतंग महाबाहो जयदंग धारी जगत, ये सृष्टि रचना करके खेल रहे हैं, उसमें हम भी एक पार्ट लेकर के अनादिकाल ब्रह्ममान होकर भ्रमण करते 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 शरीर बदलते बदलते 84 लाख जोनी में शरीर बदलते बदलते अभी एक नरतन मिल गया है, फिर भी देखो चेतन नहीं, फिर भी हमारे आग्रह नहीं, फिर भी ये संसार से मुक्त होने के लिए हमारे भीतर कोई प्रेरणा नहीं, फिर भी देखो दुख मय सागर से मुक्त होने के लिए हमारे अंदर कोई कोई चेतना नहीं है, कैसे मूढ़ता। इसलिए भगवान करुणा करके करुणा अवतीर्ण कलु, कलि युग में करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं, जो उनके ही लीला अनुसरण करके चिंतन करके वो भी मुक्त होकर के वो भगवत धाम प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित हम लोग आलोचना कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। आप लोग जो सुने नहीं है तो पहले जो YouTube में देख लीजिएगा, अभी हम लोग बहुत दूर आ गए हैं, अभी हम लोग आगे चलेंगे, और हमारे ऐसे इच्छा है कि हम उस लीला को वर्णन करते करते अंतिम तक चलेंगे, है ऐसे, है ना। तो भगवान निमाय पंडित, उनका गृहस्थ में उनका नाम है निमाय पंडित, गौरंग भी है, गौरंग भी कहते हैं, गौर सुंदर भी कहते हैं, गोरा चांद भी कहते हैं, अनेक नाम है। तो निमाय पंडित नाम से प्रसिद्धि है। 16 साल उम्र में समस्त विद्वत्ता के मूर्तिमंत स्वरूप जैसे सब शास्त्र अध्ययन करके इसका परिपक्वता प्राप्त करके सब कुछ चैलेंज देते हैं। अरे बड़े बड़े पंडित दिखे हैं, हमसे तर्क करें तब जानेंगे जो बड़े पंडित, नहीं तो हम मानते नहीं है। बड़े बड़े जो तत्कालीन जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनको ऐसे इस तरह चैलेंज देते थे, अरे क्या हमसे तर्क करो, क्या अध्ययन किए हो, क्या तुम बड़े बड़े अध्यापक बनते हो, हमसे तर्क करो, हमको हराओ, तब तो जानेंगे तो तुम बड़े विद्वान हो, हम मानते नहीं, टंकार देते हैं। लेकिन विद्वत जन समाज में सब मान्यता प्राप्त, सब जानते हैं कि निमाय पंडित कोई साधारण नहीं है, तरुण अवस्था है, नवजौवन संपन्न है, लेकिन विद्वत्ता का एकदम जैसे मूर्तिमंत स्वरूप ऐसे। आप अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन करते करते आप अध्यापना भी करना शुरू किया है, उनका तो ऐसे स्थान तो है ही नहीं,
एक देवी मंडप है, देवी मंडप में बहुत सारी बैठने का जगह है, वहीं पर शाम के वक्त जा करके सब शिष्यों लेकर के वो अध्यापना करती है, सबको शिक्षा देती है, अध्ययन कराती है, ऐसी महत्व। इस तरह से भगवान फिर सोची माता देखते हैं हमारे बेटा बड़ा हो गया है, शादी देनी है, तो बनवाली घटक नाम के घटक है उनको बुलाया, उनसे तो विवाह कार्य संपन्न करने के लिए आग्रह किया। बनवाली घटक ने फिर वल्लभाचार्य नाम के एक अच्छे बड़े कुलीन ब्राह्मण, परम पंडित एवं परम सद्गुण संपन्न, उनके एक सुशीला आनंद स्वरूपिणी, जैसे मान लो अनिंदा सुंदरी, ऐसे भूमलोक में ऐसे सुंदरी कदाचित दिखने में आता है, बड़े सुंदर, क्योंकि भगवान के स्वरूप शक्ति है ना, वो तो साधारण मानव ही नहीं है। ऐसे कन्या से विवाह कार्य संपन्न करने के लिए सब ठीक हो गया। इधर निमाई पंडित जो है, घर में तो कोई है नहीं, माँ है, सोची माता है, भैया तो सन्यासी के चले गए विश्वरूप, पिता शरीर छोड़ करके नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं, कोई इनकम नहीं, कोई धंधा नहीं, वही शिष्य लोग जो थोड़ा सा दो चार पैसा जो भी थोड़ा सा सहयोग करते हैं उसी के द्वारा संसार गुजारा करते हैं। माता कहते हैं बेटा शादी तो करनी है, पैसा कहाँ, चलो उधर कन्या जो देंगे वल्लभाचार्य भी ऐसे ही दरिद्र ब्राह्मण है, तत्कालीन ब्राह्मण बहुत दरिद्र थे क्योंकि कोई अर्निंग सोर्स नहीं था। आजकल जैसे ब्राह्मण भी सब कर्म करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई फौज में जाते हैं, कोई जो भी कर्म सब कुछ करते हैं पैसा के लिए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ब्राह्मण चित्त ही कर्म करते थे, अध्ययन अध्यापना शिक्षा देना पूजा पाठ आदि, यही उनके एकमात्र उपजीव्य था, एकमात्र उनके संसार गुजारने के लिए एकमात्र यही उपाय। तो उसमें थोड़ी ज्यादा पैसा थोड़ी होता है, कोई जजमान के घर जाते हैं थोड़ा सा दो पैसा दे दिया, कुछ चावल दे दिया, आटा दे दिया, मैदा दे दिया, ले आ करके तो अपना निर्वाह करते, कहाँ पैसा। बनवाली घटक गए तो कहते हैं बाबा तो अच्छा है, हम तो बेटी की शादी तो कराएंगे, लेकिन हमारा तो भाई देखो पैसा कौड़ी तो है नहीं, हम दहेज मांगेंगे, हम दहेज दे नहीं पाएंगे, बस हम पास हरतु की हर रहा है ना, पास हरतु की दे करके बस हमने कन्या शाम प्रदान करेंगे, इसमें अगर राजी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मेरा तो कोई कुछ दीदी का तो कोई हमारी शक्ति है नहीं। और इधर निमाई पंडित का भी वही स्थिति है, गरीब में नहीं हो रही है शादी, विवाह संपन्न हो रहा है, लेकिन विवाह कार्य जब शुरू हो गया है, अब जाएंगे बारात जाएंगे शादी करने के लिए, भाई कहां से आ गए रुपया पैसा धन दौलत, साक्षात लक्ष्मीपति जहां विराजमान है वहां लक्ष्मी की कहीं कमी तो नहीं हो सकती है, तो वहां कहां से धन आ रहा है, ऐसे निमाई पंडित के भर ना जाने कहां से आ रहा है धन पैसा, इस भेंट प्रणामी देकर घर भर गया, चावल दाल आटा मैदा मान लो घर भर गया। और उधर वल्लभाचार्य जो साक्षात लक्ष्मी, वो तो लक्ष्मी प्रिया देवी जिनके साथ महाप्रभु का विवाह कार्य संपन्न हो रहा है, विवाह कार्य संपन्न हो रहा है, वो भी तो साक्षात जगत जननी, वहां भी ऐसे ही वल्लभाचार्य जो जानती भी नहीं है कहां से इतना सब, कोई हार ले आ रहा है, कोई कुंडल, कोई कोई अंगूठी, कोई कुश ऐसे करके माने घर भर गया, सोना दाना हीरा जवाहरात कौन दे रहा, देवता लोग आ रहे हैं विवाह कार्य संपन्न, वो विवाह कार्य दर्शन करने के लिए, और देवता लोग मनुष्य मूर्ति धारण करके उपढ़ को लेकर के आ रहे हैं वल्लभाचार्य के घर, देखेंगे आज जगतपति और जगत जननी के जो शुभ परिणाम, वो दर्शन करके वो कृतकृत हो जाएंगे, भगवान भौम लीला प्रकटन कर रहे हैं, एक तरफ तो जगतपति जगन्नाथ, एक तरफ अद्याशक्ति जगत जननी लक्ष्मी प्रिया देवी, देखेंगे देवता लोग आए हैं सब उपढ़ को लेकर के, हार सोने का सब बराबर बाजू बंद करधनी नाने क्या क्या वस्तु ला रहे, और वल्लभाचार्य जो देखते हैं भाई ये कहाँ से आ रहा, हमारे तो बारात को खिलाने का पैसा हमारा है नहीं, हम तो चिंता पड़ गए हैं, अब भाई बारात को जो आएंगे 20-25 जो भी आएंगे उसको हम खिलाएंगे क्या, चिंता में पड़ गए। अन्नी माई पंडित
सोचते हैं भाई इतना बारात लेके जाएंगे फिर वहां तो वल्लभ आचार्य जो गरीब ब्राह्मण है ये तो ठीक नहीं, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। महाप्रभु चल रहे नहीं तो जैसे मान लो पूरा गांव लेके चल रहे हैं, सब पीछे पीछे जा रहे हैं महाप्रभु के साथ। महाप्रभु बड़े चिंता पर गए, भाई माना किसको करे, भाई तुम मत जाओ, वो गरीब ब्राह्मण है कहां से खिलाएंगे ना, चलो। अरे वो तो भगवान तो जानते। उधर क्या हुआ, वल्लभ आचार्य शादी विवाह अनुष्ठान तो वहां तो जो जो होना है तो हो गई, लेकिन कहां से कौन आया कौन किया, इतने बड़े हजार लोगों के भोजन कराने के लिए बड़ा पेंडल, बड़ा बड़ा कढ़ाई, बड़ा बड़ा सामान बन रहा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कचौड़ी, पकौड़ी, ओह क्या क्या नहीं। बोलो बच्चा जो जाके देखते हैं भाई कौन ने हाली कर ठीक किया है, ये हाली कर आया कहाँ से, इतना कढ़ाई आया कहाँ से, विशाल विशाल कढ़ाई, हजारों लेकर जा रहे हैं महाप्रभु। वो तो पहले ही तो भगवत शक्ति जो है वो तो ऑटोमेटिकली कार्य संपन्न करते हैं, वो मनुष्य के द्वारा थोड़ी होता है। और बल्लभ आचार्य जो देखते हैं, अरे बाबा विशाल पेंडल बना दिया, कौन भक्त लोग क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, हाँ चकित होगी ये क्या बात है, कन्या को शादी देंगे। अरे अलंकार से भर गया, पहले तो एक अंगूठी और चूड़ी देने का पैसा नहीं, बोलते पास हरतु की देंगे आप, इतना सोने का गहना आ गया जो अच्छा लक्ष्मी प्रिया देवी को इस तरह से सजावट किया, सोने से भर गया एकदम बिल्कुल सोने से, फिर भी पड़ा है और सारे बक्सा में सोना और पड़ा है, कौन लाया कौन दे रहे भगवान जाने पता ही नहीं। और पंगत तो विशाल व्यवस्था, और इधर महाप्रभु चिंतित हो रहे हैं, भाई यह जाएंगे इतना बड़ा लेकर के, भाई ये तो गरीब ब्राह्मण बड़ा तो लज्जित हो जाएंगे, ऐसे तो उचित है नहीं, लेकिन क्या करें अब तो ये लोग भी मानने वाले नहीं है, सब चलते हम लोग जाएंगे बारात जाएंगे, उनके तो बहुत अनुजाई है ना महाप्रभु का, हजारों अनुजाई है, सभी आशा करके बैठे महाप्रभु निमाई पंडित के शादी में जाएंगे, निमाई पंडित के शादी में जाएंगे, निमाई पंडित के शादी में जाएंगे, अरे शादी में जाओगे भाई खिलाएंगे क्या, ये तुम्हारा हिसाब है, चल दिए। और उधर शादी विवाह कार्य तो संपन्न हो गया, भोज हो रहा, भाई भोज देख करके पंगत इधर से उधर तक दिखता है, सिर्फ लोग लोग सिर्फ हजारों लोग परोस रहे हैं, हजारों लोग दे रहे हैं, हजारों लोग सब खिला रहे, और वल्लभ आचार्य देख करके तो एकदम चकित हो गए, आंख निकल गए, ये क्या बात है, ये कैसे हो रहा। ठीक है विवाह कार्य तो संपन्न हो गया, अब चलेंगे घर लौटेंगे, कन्या का संप्रदान करके जितना रोना पिटना जो भी है, ये जो मांगलिक कार्य करके पिता माता जैसे रोते हैं ऐसे सब हो गया, आप जाएंगे। आप महाप्रभु चिंतित हो गए, जो हमको इतना खातिर किए और हमको भी तो ये अनुष्ठान करना है, हाँ भाई ससुराल में इतना खातिर हुआ, हम तो ऐसा आशा भी नहीं किया था, लेकिन देखो इतना खातिर किया, अब इनको भी जब आएंगे तब हम क्या खिलाएंगे, हमारे तो कुछ है नहीं। अब महाप्रभु चिंतित हो गए हैं, तो उधर हमारे बंगाल में क्या होता है, शादी के दिन कन्या पक्ष जो है वो उस दिन भोजन देते हैं, जिस दिन शादी उस दिन भोजन व्यवस्था करते हैं, और जो वर पक्ष है वो देते हैं एक दिन पीछे, उसको कहते हैं बहु भात, बहु भात, बहु भात कहते हैं, उस दिन भी बड़ा अनुष्ठान करना पड़ता है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, उनको भी ऐसे ही बारात जैसे हमारे गए ना, वो कन्या पक्ष को भी बारात जैसे आती हैं, ऐसा ऐसा नहीं, तुम्हारा 10 गया तो वो भी 10 आएंगे, ये नहीं, ऐसा नहीं, तुम्हारा 50 गया और वो पास आएंगे, हम तो गरीब आदमी है, हम अब ज्यादा कन्या पक्ष के ज्यादा नहीं होनी चाहिए हम, ऐसा नहीं चलेगा, तुम जब 100 ले आए हो हमारा 100 जाएंगे, ऐसा नियम है। आप वहां तो वल्लभ आचार्य क्या करेंगे, आप लोग जीत कर कहना पड़ता है, आप लोग जितना जो भी है आप लोग आ जाइए परसों दिन, हाँ हमारे सब भोजन अनुष्ठान आप लोग सब आ जाइए। इधर क्या हुआ, महाप्रभु इधर आके देखते हैं ऐसे ही विशाल पेंडल लग गया है, ऐसे ही बड़ा बड़ा कढ़ाई चल रहा है, हलवा पूरी छान रहा है, और एक खोआ बन रहा है, दूध खोआ बन रहा है, जलेबी बन रहा है, अमृती बन रहा है, कचौड़ी पकौड़ी, भाई
श्री का महाप्रभु बोलती ये क्या बात है, हमने तो कोई हलेकर बुलाया नहीं, यहाँ आप ये देखें अभी दशा क्या स्थिति है। यहाँ तो बहुत प्रसन्न हो गए महाप्रभु, ये देव प्रभु की इच्छा, भोग लीला करते हैं ना तो गढ़ लीला बात कोई बल्लम भगवान, ये कभी ये नहीं जानते हैं कि मैं भगवान हूं। जब भगवत का प्रकाश हो जाता है तो लीला नहीं रहती है, उसको कहते हैं भगवान की ऐश्वर्यमय प्रकाश, और भगवान के जहाँ माधुर्यमय प्रकाश वहाँ भगवान मुग्ध हो। भगवान एक साधारण मनुष्य जैसे ही जोगमाया के द्वारा समावृत होकर के मुग्ध प्राय, जैसे भगवान को जानते ही नहीं, इसको कहते माधुर्यमय प्रकाश। तो भगवान माधुर्य लीला कर रहे हैं, या जानते ही नहीं क्या हो रहा। फिर जा करके वैवाहिक अनुष्ठान, यहाँ तो मंगल कार्य जो भी करना है, शोची माता के लिए नहीं है, वह भी आए अद्वित भवन से आए हैं, शोची माता आए, सीता माता ठाकुरानी आए हैं, और श्रीवास पंडित के घर से भी और सब आए, और सब मैया लोग आए हैं, साज धस के आनंद लीला कर रहे हैं, बड़ी सुंदर, हजारों लोग पोशाक पा रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग दे रहे खा रहे हैं और जयजयकार लगा रहे हैं। महाप्रभु तो देखते रहे कि भाई हमने सोचे थे शायद हम तो बड़ा लज्जित हो जाएंगे, हम किसी को क्या खिलाएंगे, भाई गरीब ब्राह्मण है, आप देखते हैं ये क्या आनंद लीला। तो इस तरह से बड़े सुंदरता के साथ जैसे वल्लभाचार्य ने सादर सत्कार किए हैं, तदनुसार निमाय पंडित के यहाँ भी बड़े अच्छी तरह से अच्छी ढंग से सबको बहुत दिल खुश करके सबको इस तरह से सेवा किए है। अब विवाह कार्य तो संपन्न हो के लक्ष्मी प्रिया देवी ये महाप्रभु के पत्नी, महाप्रभु अब विद्या अध्ययन में अध्यापन में लगे हैं। आप क्या हुआ, महाप्रभु भौम लीला में जो गुरुकरण किए हैं, भगवान जब आते हैं मनुष्य चित लीला करते हैं, भगवान का गुरुकरण का क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, ये शास्त्र मर्यादा, ये मर्यादा रक्षा के लिए भगवान भी गुरुकरण करते हैं। अगर भगवान गुरुकरण नहीं करेंगे तो आगे चल के सब कोई सोचेंगे भाई गुरुकरण का क्या औचित्य है, ये तो फलाने ने भी गुरुकरण नहीं किए हैं, निमाई पंडित भी गुरुकरण किए नहीं है, है ना। तो इसलिए शास्त्रीय मर्यादा रक्षा के लिए भगवान जब नरतन धारण करके जब लीला प्रकटन करते हैं तो भगवान मनुष्य चित लीला करते हैं, गुरुकरण करते हैं, प्रयोजन नहीं है उनके लेकिन करते हैं। जैसे रामचंद्र जी आए थे, उनके गुरु थे वशिष्ठ जी, हैं, कृष्ण भगवान आए थे, उनके गुरु कौन थे, गर्गाचार्य जी। तो ऐसे गुरुकरण करना जरूरी है। तो माधवेंद्रपुरी थे, ये हमारे प्रेम धर्म का प्रथम प्रवर्तक, भगवत कृपा से माधवेंद्रपुरी, उनके जन्म से ही उनके अंदर भी प्रेम का महाप्रकाश जो अचिंत, एक दिव्य अलौकिक शक्ति संपन्न एक महापुरुष माधवेंद्रपुरी, बंगाल में जन्म लिए हैं लेकिन तीर्थ पर्यटन करते हैं, बड़ी विरक्ति, बड़े त्यागी, बड़े निष्किंचन, किसी से कोई लेना ना देना, मगन रहना, एक जगह नहीं रहते थे क्योंकि प्रतिष्ठा आ जाएगी, प्रतिष्ठा सुकरी निष्ठा, इसलिए माधवेंद्रपुरी एक जगह नहीं रहे, थोड़ा सा दिग्दर्शन दे रहे हैं माधवेंद्रपुरी के संबंध में। माधवेंद्रपुरी का शिष्य है ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी से ही महाप्रभु दीक्षा ग्रहण किए हैं लौकिक लीला। माधवेंद्रपुरी इस तरह से भ्रमण करते हैं, बादल देख करके उनके अंदर कृष्ण भ्रम हो जाता था, अश्रुकंप पुलक शेद वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, ये सब सात्विक विकार से विकारित होते थे। माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी एक बार आए थे नवद्वीप में, शोची माता आदर करके उनको मोचा घंट खिलाए थे, खाके बड़े प्रसन्न हो गए थे। तो निमाई पंडित के घर में आए थे पहले, बहुत माधवेंद्रपुरी बाद भी बंगाल के शरीर थे, बंगाली शरीर, लेकिन रहते थे ज्यादा ही बाहर, दक्षिण भारत आदि उत्तर भारत ये सब भ्रमण करते थे। अच्छा बाबा, ये माधवेंद्रपुरी पाद या ईश्वरपुरी पाद, इन ये लोग प्रेम धर्म के जो अंकुर है वो पहले अंकुर के वो फल पहले है, लेकिन
ये दोनों तो शायद मंजरी स्वरूप उपासना किए नहीं, क्योंकि ये तो महाप्रभु के जो अवदान है अनर्पित चरिंग, वो कौन सा प्रेम है? तो हम लोग आलोचना कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा दिग्दर्शन दे रहे हैं। प्रेम बहुत प्रकार का है, सखी प्रकरण, सखी प्रेम भी कई प्रकार, सखी प्रिय नर्म सखी प्राण सखी नित्य सखी, सखी प्रकरण भी पांच प्रकार। फिर शाखा प्रकरण में शाखा प्रिय नर्म शाखा प्राण सखा, चार प्रकार शाखा प्रकरण। फिर तुम्हारा माता पिता वात्सल्य उपासना पद्धति, ये प्रकरण है ना, ऐसे बहुत प्रकरण है, सभी प्रेम है लेकिन अलग अलग विभाजन है ना। तो महाप्रभु कौन सा प्रेम जगत को प्रदान किया है? वो है ये मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति। राधा कृष्ण जुगल विलास निभृत निकुंज में जो राधा कृष्ण निभृत लीला विलास करते हैं, वहाँ कोई सखियों का भी वहाँ प्रवेश नहीं है, प्रवेश अधिकार है ही नहीं है। वहाँ एकमात्र ये मंजरी सखी जो है, इनका ही एकमात्र प्रवेश अधिकार, और वहीं पर रह करके सेवा करती है, और राधा रानी के साथ हर समय रहती है ये मंजरी। ये उपासना जो है ये कैसे है बोलते, श्रीमती समा सबे देहो वेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र, संभोगे काले दुहु आनंद उल्लास, राधांगे पुलक भाव सखीते प्रकाश, जत सुख पाए पृष्ठ भानुरंदिनी तार शतगुण सुखाश्चर्य संगिनी। কোনো ছলে একসঙ্গে সখীরে মিলায় সে আনন্দ দেখি শুনি কোটি সুখ পায়। শ্রীমতী কা রাধারানী কা জৈসে ডিটো এক রাধারানী, ছোটি হে উমর মে লেকিন জৈসে এক ছোটি সি রাধারানী, ও স্বরূপ জো রাধারানী কৃপা করকে প্রদান করতে হে, সাধন কে দ্বারা ও স্বরূপ প্রাপ্ত হোনা সম্ভব নেই, সাধন কে দ্বারা মুক্তি হো সকতি হে, সাধন কে দ্বারা সংসার চক্র সে মুক্ত হো সকতা হে, সাধন কে দ্বারা त्रिताव दुख से निवृत्ति हो सकती है, साधन के द्वारा वैकुंठ लोग जा सकते हैं, लेकिन साधन के द्वारा ही मंजरी स्वरूप प्राप्त करना संभव नहीं है, ये राधारानी की कृपा सापेक्ष। तो ये जो उपासना पद्धति मंजरी उपासना, ये महाप्रभु का अवदान। तो माधवेन्द्रपुरी परम प्रेमी थे, अंतिम समय जब शरीर छोड़ेंगे तब एक श्लोक उच्चारण करते करते महाप्रयाण किए हैं माधवेन्द्रपुरी। हे दीन दयार्द नाथ, हे मथुर नाथ, कदा बलोक कशि हृदय तदलोक कातरंग दहित ब्रह्मति किं करम अहम्। हे दीन दयार्द नाथ, हे दीनन के प्रति दयार्द चित्त जो है कौन? कृष्ण। मथुर नाथ, आप तो मथुरा चले गए हो, अब मथुरा नाथ हो गए हो, कदा बलोक कश्य, मैं तुमको कब देखूंगी? हृदय तदलोक कातरम, मेरी हृदय तुम्हें देखे बिना कातर हो रहा है। दई तो भ्रमति किं करम, मैं भ्रमित हो रही हूं, बताओ मैं क्या करूं। ऐश्वर्य के कृष्ण प्रेम कोई लो उपदेश, কৃষ্ণের বিরহে রাধার ভাব বিশেষ, জগতে রোপণ করি গইল প্রেমাঙ্কুর, সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্য ঠাকুর। বলতে এই রাধারানী কি বিরহ দশা, যখন কৃষ্ণ চলে গে হ্যাঁ মথুরা মে, তো রাধারানী কি বিরহ দশা কি যে স্থিতি হ্যাঁ, এ অবস্থা মাধবেন্দ্রপুরি প্রাপ্ত হকার অন্তিম সময় এই শ্লোক উচ্চারণ করতে করতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পঞ্চ শরীর সে, আর উনকে প্রিয় শিষ্য সে ঈশ্বরপুরী, और समस्त शक्ति संचार करके गए हैं उनके ऊपर। उनके और भी शिष्य थे, ब्रह्मानंद आदि सब शिष्य थे, लेकिन इतने गुरु सेवा किए हैं ईश्वरपुरी, जो गुरु सेवा से प्रसन्न होकर के जाते वक्त ईश्वरपुरी का समस्त शक्ति प्रदान करके चले गए, जा बेटा तेरे को सब सिद्धि तेरे को मिल जाएगी, तेरे को वो प्रेम मिल जाएगा, तेरे को ठाकुर जी का दर्शन होगा, तेरे को ठाकुर जी का प्रेम सान्निध्य मिल जाएगा, चिंता ना कर बेटा, जा मैं आशीर्वाद करता हूँ, तेरे जीवन धन्य हो जाएगा। बस गुरु आशीर्वाद प्राप्त करके एकदम बिल्कुल वो भी उन्मत्त प्राय प्रेम में विभाजित चित्त वृत्ति चलते हैं हर समय प्रेम कृष्ण प्रेम, दुनिया से कोई संबंध नहीं, जहां जाते हैं बस वही प्रेम। आप चिंतन करते गुरुदेव हमको आशीर्वाद किए हैं, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे हमको,
खूब रोते हैं, क्या ठाकुर जी हमको नहीं मिलेंगे, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। तो भीतर से एक दिन आवाज आया, नवद्वीप में जा, वहां तेरे समस्त अभिष्ट सिद्ध होगा, तू जा वहीं तेरे को मिल जाएगा। तो ईश्वरपुरी भीड़, अब नवद्वीप जाना है, ये आवाज तो कोई साधारण आवाज नहीं, ये तो जरूर कुछ है, जरूर हमको जाना है नवद्वीप। घूमते 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 जा करके अद्वैत आचार्य के गृह में आए हैं। अद्वैत आचार्य के गृह में कुछ दिन रह करके सुने हैं यहाँ कौन ऐसे कौन महापुरुष हैं। बोलते महापुरुष तो यहाँ तो देखो ऐसे ही सब पंडितों के वास है यहाँ तो। हाँ, एक अलौकिक शक्ति संपन्न एक बालक है किशोर अवस्था, निमाई पंडित नाम से प्रसिद्ध। खैर वो तो ऐसे भजन भजन तो करते नहीं, लेकिन वो एक अलौकिक शक्ति संपन्न, इसमें कोई दो राह नहीं है, जो अलौकिक शक्ति संपन्न। ध्यान लगाया, मन में आवाज आ गया, कुछ भी हम जाएंगे निमाई पंडित को देखने के लिए। घूमते 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 और भगवत इच्छा, एक दिन निमाई पंडित गंगा के किनारे से आ रहे हैं, घुंघराले केश, उच्च वक्ष स्थल, आकर्ण नेत्र, बड़े सुंदर दिव्य अनिंद सुंदर, जैसे साक्षात कंदर्प, साक्षात मनमथ मनमथ कंदर्प देव जी से इतने सुंदर दिव्य, उनके अंग कांति छठा जैसे इतने अद्भुत, जैसे कोई अतिंद्रिय जगत से आए हैं, कोई कोई कौन ऐसे कौन सृष्टि करता, जैसे बड़ी सुंदर रचना के द्वारा ऐसे सुंदर तनु निर्माण किए हैं देख करके। और उनके भगवान है ना, तो भगवान में ऐसे शक्ति होती है, दर्शन मात्र ही उनके भीतर एक अलौकिक आनंद की शिहरण खिल जाता है। तस्वीर श्रद्धा संभ्रम भय ऐसे कुछ देखने में आता है। यह है मैंने भगवान या महापुरुष विशेष कुण भगवत दृष्टा पुरुष के सानिध्य जाने से ये होता है। ईश्वरपुरी बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन निमाई पंडित को देख करके ही एकदम जैसे मान लो पूरा शरीर में जैसे बिजली खिल गया, जैसे कौन अलौकिक शक्ति आकर के उनको प्रभावित कर दिया, एक झलक खिल गया, जैसे स्तंभित हो गया, जैसे कुंभक हो गया, जैसे वायु स्थिर हो गया, देखने लगे कौन है ये। और महाप्रभु भी देख रहे हैं, पहचान गए हैं तो हमारी हमारे सेवक है, लीला तो हमको करनी है। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए हैं, जाकर के चरण स्पर्श किए, कृष्ण मति रस्तु, आशीर्वाद किए, तुम्हारे कृष्ण में तुम्हारा मति हो। फिर जाकर के महाप्रभु बहुत प्रभावित हो गए, देखते हैं ये साधारण नहीं, तो देख शरीर चेहरा से ही ना कुछ पता चलता है, मनुष्य का चेहरा जो है ना, आंख मुंह फिर सब कुछ देख करके पता चलते है आदमी कैसे है। एक दुर्जन को भी देख करके पता चलते है बट ये दुर्जन है, और सज्जन एक फर्स्ट अपीयरेंस जो है ना, ये साधारणतः ये झलक आ ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। नहीं पूर्णतया तो ऐसा होता नहीं है, हमारा उतना विचारधारा विचार शक्ति है नहीं, लेकिन साधारणतः ये सत्य है, देख करके ही हमको एक झलक लग जाता है जो ये आदमी ऐसे है ना। इंग्लिश में कहते हैं फेस इज द इंडिकेशन ऑफ माइंड, फेस इज द इंडिकेशन ऑफ माइंड, वो इंडिकेट करता है ये व्यक्ति कैसे है ना। तो इंडिकेट महाप्रभु जान गए हैं ये तो साधारण नहीं है, असाधारण कोई महापुरुष है, परिचय किए हैं, उम्र में छोटे है ना, अब कहाँ से आए कैसे है, नहीं हम माधवेंद्रपुरी प्रभु बात माधवेंद्रपुरी महाराज की हम कृपा पात्र हैं, उनके दास सेवक है, अच्छा बड़े आदर करके घर ले गए। फिर वहाँ भी ये भी बंगाली थे, फिर वहाँ भी बड़े आदर करके शची माता मोचा घंट खिलाए मोचा घंट तो रसोई में शची माता बहुत निपुण थी, निपुण बहुत बड़ी सुंदर। एक बार जो रसोई खाई सची माता के हाथ का तो वो जीवन भर भूलेगा नहीं, एक खाए थे रसोई हमारे बंगाल में ना, पहले ये रसोई जो है कला थी, बचपन में ही माँ बच्चा को रसोई शिक्षा देते थे,
किस तरह से रसोई बढ़िया रसोई क्या क्या रसोई कुछ में कैसे बनाया जाते, ये कला है। और क्या जानते हैं, जो कन्या जो देखने के लिए आते थे जो वर पक्ष है ना, ऐसा नहीं कन्या अपने हाथ से रसोई करेगी, उनका हाथ का खाना खा के अगर पसंद होगा तो कन्या सिलेक्ट करेगी, नहीं तो नहीं। हसीन सत्य बात है, मैं कहता हूं हाँ, ऐसा नियम था। मान लो गए हैं कन्या देखने के लिए, तो कन्या पसंद आ गया, ठीक है कन्या सुंदरी है, सब सुशीला है, सब है सुंदरी है, लेकिन रसोई करना पड़ेगा कन्या को अपना हाथ से। आप कन्या रसोई करी खा के पसंद नहीं पसंद है ना तो जाओ चले जाते। इसीलिए माँ भी बड़े जतन के साथ कन्या को ऐसे शिक्षा देती थी रसोई का। इसीलिए बंगला में रसोई भी बहुत प्रकार का तरह तरह का होता है। यहाँ तो ऐसा है नहीं चटनी से रोटी खा लेता है, फिर तुम्हारा माठा से रोटी का, माठा में थोड़ा नीमक दिखे मिर्ची गुरा देकर हो गया रायता लो खाओ, बात हुआ साग ला करके हिला करके गर्म में दो। एक बार की वो पूरा रसोई यही नहीं आता। अच्छा ना, ये बात नहीं है, सही बताऊं, वो जो माई का हाथ का जो रोटी है ना, वो रोटी गरम गरम रोटी मक्खन लगा करके जब देते हैं ना भाई, मैं सही बताता हूँ, मेरा ये 45 साल हो गया ये ब्रज में, ब्रज माई का हाथ का रोटी खाते खाते हमारा अनु परमाणु में एकदम रम गया, छप्पन भोग फेल भाई। हमने बहुत कोशिश किया ऐसे रोटी बनाने का, लेकिन ब्रज माई का हाथ का रोटी भाई हमने ना कभी खाया, कितना घी चपकाओ कितना कुछ, वो टेस्ट होता नहीं है। तो ये बात तो आला, ये तो है ना। तो इस तरह से सोची माता का रसोई खा करके हमारे पंडित जी महाराज कुछ कह रहे थे, मिर्च वाली बात जो मिर्च, अरे एक बार क्या हुआ, हमने थोड़ा सा ब्रेक दे रहे हैं, थोड़ा सा कह रहे हैं मधुवासी का रसोई। हमने तपोवन में रहते थे, जाते थे भिक्षा करने के लिए विधवनी नाम के गांव, गुरुदेव आदेश किया जो वहां चून भिक्षा करके लाओ, ये हम लोग साधना थी, साधना माने घर आश्रम में कुछ भी रहे लाख रहे तुमको भिक्षा करके गुरु सेवा करना पड़ेगा। पहले गुरुकुल में जैसे ऐसे शिक्षा देते थे इस तरह की, जाओ भिक्षा करके ले आओ, तपोवन जाओ भिक्षा करके लाओ, आटा भिक्षा करके माथे में करके लाना, क्या बड़े अद्भुत घटना सुनोगे तो ना आंख में आंसू आ जाएगा, क्या तपस्या हम लोगों को। तो ऐसे जाओ आटा मांग के लाओ, हम जाते मुझे तीन चार किलोमीटर बिदौनी चून भिक्षा करके इकट्ठा करके वो एक जगह एक घर में रख देते थे, मैया ये रख लो, हम जब भर जाएगा फिर हम बोरा भर के ले जाएंगे वृंदावन, ठीक है बाबा यहीं रख दो। तो एक ब्रजवासी था, वो हमको कहते हैं बाबा हमारे यहाँ एक दिन प्रसाद पाओ। अरे हमारा आदत है कोई गृहस्थी घर में कहीं खाना, ये हमारा आदत नहीं, हम अभी भी कोई गृहस्थी घर में जाना बैठ के खाना ये हमारा एकदम बिल्कुल उनको पसंद नहीं। हमने हाँ हाँ भैया खाएंगे एक दिन खाएंगे। फिर दूसरा दिन बाबा आप तो कहे थे अरे चलो एक दिन हमारे प्रसाद पाओ, हाँ खाएंगे एक दिन खाएंगे चले गए। ऐसा तीन चार दिन ऐसा किया, एक दिन क्या हुआ तो हमको एकदम रास्ते से पकड़ ही लिया, बाबा आप रोज बोलते हो ऐसा नहीं, आपको आज तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो हमारे बंगाल में क्या नियम है जानते हो, किसी को अगर निमंत्रण दिया तो उसके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट होता है, साधारण ऑर्डिनरी नहीं, निमंत्रण माने ऑर्डिनरी नहीं, वो स्पेशल होना चाहिए। खीर होगा, पनीर की रसा होगा, भजिया होगा, गुजिया होगा, नाना प्रकार ये होगा, है ना। हम ये आदत है, हम नए नए आए हैं बंगाल से तो हमारा ये आदत, हम सोचे हैं भाई ये जो अरेंजमेंट कर ही लिया है तो अपना हमारे हाथ पकड़ के, तो अरेंजमेंट माने हम भूखे भी थे, खाने को तो मिलता नहीं था, भूखे भी थे, भूख भी लग गया था, हम लोग अच्छा ही हुआ खीर पकौड़ी पनीर का रसा बढ़िया करके थोड़ा सा भोजन तो हो जाएगा, अच्छा भाई चलो चलो बढ़ के दो आसन दे दिया, हम भी बैठे वो भी बैठे, तो थाली दे दिया गिलास दे दिया,
फट करके एक रोटी तवर रोटी फेंक दे उनको, एक रोटी फेंक दिया मक्खन लगा करके, और एक मिर्च छोका हुआ मिर्च दे दिया उनको, एक मिर्च दे दिया। हम बैठे हैं भाई खीर आएगा पनीर का रस आएगा पनीर का रस आएगा कचौड़ी पकौड़ी आएगा, तो अभी रोटी खा लेंगे तो वो कौन खाएगा तो धीरे धीरे देखो क्या है। अरे हमारे बंगाल में एक नियम है ना, दे देते साझा के दे देते हैं ना। तो हम बैठे हैं जे मिर्च तो दे दिया ठीक है, अब खीर आएगा भाई पनीर का रसा और जो पकौड़ी बा और कुछ बढ़िया बढ़िया आइटम निमंत्रण किया है ना, ऐसा थोड़ी होता है। और वो तो खाना शुरू कर दिया गर्म गर्म रोटी और मिर्च। हम तो बहुत समय बैठे हैं भाई, अभी तो रस आया नहीं, खीर भी आया नहीं, तो ऐसे देख रहे हैं इधर उधर। और वो रोटी एक रोटी हो गया, हम बोले भाई ऐसा तो चलता नहीं है, चलो देखो हम भी शुरू कर दो फिर दिखा जाएगा। रोटी खाते खाते एक रोटी आस्ते आस्ते खा रहे थे, आ आ रहा पनीर, आ आ रहा पनीर, पनीर का नाम निशान नहीं। एक रोटी खा लिया और उनको और एक रोटी डाल दिया उनके पति के थाली में, और हमको और एक रोटी डाल दिया। हम लोग भाई पहला रोटी मिर्च से खा लिया, आप पनीर आ रहा भाई, आप पी जाएगी फिर जाके आप अच्छी तरह से खाएंगे। वो तो खाना शुरू कर दिया मिर्च से, हम भी क्या करें, हम बैठे बैठे वो खा रहे हैं तो हम भी खाएं, तो हम भी ऐसा धीरे धीरे इतने इतने टुकड़ा ले रहे हैं जो अब पनीर आएगा अब खीर आएगी खीर आएगी। तो ऐसा दो रोटी तो खा लिया फट करके, और एक मिर्च हमको फेंक दिया हमारे थाली में, उनको एक मिर्च फेंक दिया और एक उनके थाल एक रोटी हमको भी एक रोटी। हम देखो भाई क्या करे भाई, अभी रोटी से पेट भरे खीर कब खाएंगे, उसके लिए जगह चाहिए ना हमको। तो हमको समझ में नहीं आ रहा मैं आप क्या करूं, इसमें पेट भरूं तो खीर कौन खाएगा। तो आप तीन रोटी या चार रोटी वो खा लिया, खा के बोल बाबा अच्छा मैं चलू। हमने बोला भाई ये क्या मामला है, ये चलू बोल के तो गिलास में हाथ ही कैसे करके उनको जो है हाथ धोना है ना ऐसे ही करके चल दिया। हम बोले भाई हम क्या करें, क्या समझ में नहीं आता खीर है या नहीं तो क्या करूं। तो हम बोले ठीक है, हाँ हाँ भैया हम भी चले, हो गया हो गया, अच्छा बाबा चलो। अरे ऐसे ही निमंत्रण है ऐसे जाने से, और दो रोटी हम खा लेते, भूख तो खाई, हम खीर के लिए इंतजार करके रोटी भी खाया नहीं खीर भी आया नहीं, इसमें आधा पेट खा करके हम क्या करें। गरम गरम रोटी अच्छा ही लग रहा था, पहले बोलता जो खीर नहीं है, तो फिर हम तो भाई रोटी और तो खा लेते। तो ऐसा नहीं, तो शची माता का रसोई ऐसे अद्भुत सुंदर रसोई, शची माता वहाँ ईश्वरपुरी में प्रसाद पाए, फिर खा करके वो तो चले गए, जा करके कहते तुम आना हम फिर मिलेंगे तुमसे। और महाप्रभु भी जान गए हैं जो ये जो है ये हमारे निर्दिष्ट हमारे गुरु हैं, यहीं से ही हमको जो भी कुछ लेना है साधन मार्ग जो है गुरुकरण भौम लीला में जो गुरुकरण पद्धति से करना है, ऐसे उनको विदाई दे करके आप महाप्रभु चिंतन कर रहे हैं, आप जाना है अब जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है। आप ये लीला तो कर लिया, विद्या अध्ययन लीला कर लिया, आप जाना है अब नया कुछ परिवर्तन लाना है, आप हमको प्रकाश होना है। इधर क्या हुआ, अद्वैत आचार्य के पास जाते हैं सब शिव आदि पंडित सब जाकर के कहते हैं अभी धर्म का ये गति है, चाहे और कहीं धर्म का नाम निशान नहीं है, भजन करते नहीं है, जो भी दो एक भजन करते हैं उनको सब ऐसे ऐसे दुर्जन है, कलयुग की ऐसी प्रभाव है, उनको निंदा करते हैं ये करते हैं, जो ये लोग खाने को नहीं मिलता नहीं है, ये लोग घर में बैठे बैठे चिल्लाता है, ऐसे है ये लोग, ये चिल्लाने से क्या होता है, चतुर्मास आ रहा है भगवान शयन करेंगे, अगर मान लो तुम्हारे चिल्लाने से अगर मान लो भगवान जाग जाएगा तो बड़ा मंगल हो जाएगा, बड़ा फसल नष्ट हो जाएगा भगवान जाग जाएंगे तो, और ये लोग उनको यहाँ से भागा यहाँ से इस तरह से रो करके अद्वैत आचार्य के घर में जाकर कहती है जो प्रभु अब क्या करें, बोलते चिंता मत करो समय आ गया है, आप थोड़ा ही दिन थोड़ा रुको देखना, यही नवद्वीप में देखना, तुम देखना क्या एक अद्भुत प्रकाश। वो तो अद्वैत प्रभु जानते है ना, वो तो महाविष्णु अवतार ना जानते हैं, जो आप भगवान प्रकट होंगे, आप अपने को प्रकाश करेंगे,
बोलते आप थोड़ी दिन बाकी है, तुम लोग थोड़ा धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करके थोड़ा कीर्तन करो, घर घर में हरिनाम संकीर्तन करो, बुलाओ, देखो प्रभु प्रकटित हो जाएंगे। तो उनके बात सुन करके सब घर घर में सब हरिमान हरिनाम कीर्तन शुरू कर दिया है। और महाप्रभु सोचते हैं अब हमारा समय आ गया, अब तो हमको अब इसका परिवर्तन, अब हमको ऐश्वर्य लीला हमारी वो प्रकाश वो दिखाना है। ऐसे चिंतन करके महाप्रभु आप गया जाएंगे। अच्छा, आज की कथा है विश्राम। फिर हम लोग महाप्रभु के साथ चलेंगे गया पिंडदान करने के लिए। हम लोग भी चलेंगे महाप्रभु के साथ, देखेंगे क्या लीला करते हैं महाप्रभु। जाकर हम लोग वो आनंद लीला कुछ आस्वादन करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। ओ हाँ, और बाकी रहेगा तो वो जो रोटी खिलाए ना, तो वो जो मैया थी उन फाटा पुराना कपड़ा, और वो आदमी जो था उनका भी फाटा पुराना कपड़ा गीट मरा हुआ है, और वो छप्पर भी ऐसे ही पुराना। तो हमने सोचा भाई गरीब है, इन लोग गरीब है लेकिन मन तो है, दिल तो है ना, तो हम बहुत प्रसन्न हो गया। हाँ गरीब है देखो, लेकिन कितना दिल है, कितना सुंदर है। तो बाहर आके कहते हैं बाबा इस बार 350 मन गेहूं हुआ है, एक तो ट्रैक्टर खरीदेंगे, आप आशीर्वाद करो। साढ़े 300 मन गेहूं हुआ है, एक ट्रैक्टर खरीदेंगे, आप आशीर्वाद करो।